Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपने अपने लिए की है? नहीं, तुम्हारी भाभी के लिए की। वो जो तुम्हारी नंद का बेटा है, वही जो मंगनी वाले दिन दीदा दलीरी से दीदे फाड़ फाड़ कर रूबी को देख रहा था, वो कल नशे की हालत में अख्तर की दुकान पे पहुंचा है और उसे धमकियां दी। सारंग ने भेजे है तुझे? हाँ। ये सब तेरे लिए? हाँ तो, और किसके लिए? भाई मैंने ना माँ इंटरनेट पे देखा और सारंग को झटपट फोन कर दिया और मैंने कहा कि मुझे इसी डिजाइन नंबर के सारे जोड़े चाहिए, मुझे बहुत पसंद है, ला दिए उसने। वाह शन्नू, तूने तो घर बैठे ही उसको चोरू का गुलाम बना लिया, उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। अम्मा बेटी किसकी हूँ आखिर, जो सीखा है तुमसे तो सीखा है मैंने। यूं नचाती हूँ अपनी उंगलियों पे, हाँ चुटकी बजा के, और मैंने तो ना उसे अभी से उसके घर वालों के खिलाफ भी कर दिया है। अपनी माँ बहन की तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, सारी बातें मेरी मानता है सिर्फ। ये शन्नो, जो तुझे ब्याह कर ले जा रहे हैं तो उन्हीं के बेटे को उन्हीं के खिलाफ कर रही है। अम्मा तुम भी ना मेरी माँ होके ऐसी बातें कर रही हो, बहुत ही भोली सी भाली सी हो, जबकि हूँ मैं लगती हूँ ना। भी बात सुनो अम्मा, बात ये होती है कि अगर अपने शौहर को ना अपने काबू में करना है ना, अपने काबू में, तो बाकी सारी दुनिया से उसे दूर करके रखो। हाँ वाह, अपने मियाँ को तो अपने काबू में कर रही है और अख्तर को उसकी दुल्हन के खिलाफ बहकाती रहती है। ऐसा बहकाया है तूने तो कि उसको हर वक्त रिश्ता तोड़ने के चक्कर में रहता है। तो अच्छा है ना अम्मा, खुद सोचो जरा, अकल से काम लो। अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर भाई भी सारंग की तरह अपनी होने वाली बीवी पे लट्टू हो जाता और हमसे दूर। भाई इस माशरे की माँ बेटी का तो यही दस्तूर है, जो बेटी के लिए सोचो वो बहू के लिए कभी ना सोचो। वाह शन्नू, तू तो मुझे रोज रोज हैरान कर रही है। तो शन्नू बेटी भी तो झम्मो की है ना आखिर, हैरान ना करे तो क्या करे भला, बताओ मुझे। मेरी मानो तो अम्मा बस यही करना, तुम ना भाई और भाभी में फासला बनाए रखो ताकि वो तुमसे जुड़े भी रहें और तुम्हारे एहसानमंद भी रहें। अच्छा इतना ना सोचो, ये बताओ ये रंग मुझ पे कैसा लगेगा, खिलेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। प्यारी जो शन्नू, ये सब ना तुम्हारा किया धरा है, मामा के अंदेशे गलत नहीं है। वाकई हमने तुम्हारे बारे में फैसला करने में बहुत जल्दी की, क्या करूं कैसे बताऊं सबको, भाई चेंज नहीं हो रहा बल्कि शनो ने मजबूर कर रही है ये सब करने पे। मैं अपने भाई की खुशी खराब नहीं होने दूंगी और ना ही घर में कोई टेंशन क्रिएट करूंगी। ये हो सकता है कि मौका देखकर भाई को शनो को समझाने की कोशिश ज़रूर करूंगी, शायद वो मेरी बात समझ जाए। तुझे क्या लगा था मैं तुझे दूसरों के लिए छोड़ दूंगा और बदला नहीं लूंगा जो तूने मेरे साथ किया? अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी और के भी काबिल नहीं। Oh, my God.
बेटा उठो ना, ये तुम्हें इतनी देर तक सोने की आदत कब से पड़ गई? मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा? हाँ नहीं मेरी प्यारी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देख रही हूँ बेटा कि तुम कल से बिल्कुल ठीक नहीं हो। अब क्या सारंग की तरह तुम भी अपनी माँ से सब कुछ छुपाओगी? नहीं मामा, ना भाई आपसे कुछ छुपा रहे हैं और ना मैं, भला आपकी नजरों से कोई बच सकता है? फिर भी बच्चे ना सब कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बताएं कि आज क्या प्लान है? नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन वो तुम कह रही थी ना कि वली में के ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर जाना है। तो हाँ आप भाई से कह दें कि वो शन्नो से पूछ कर हमें बता दे, फिर हम दोनों या भाई जाकर बुकिंग करवा लेंगे। इसका मतलब है कि सारंग ने जो भी शॉपिंग की है वो शन्नो की पसंद से की है और उससे पूछ कर की है, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी है ना? अरे ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? टूट टूट के इतनी देर से ऑफिस जा रहे हो? खाना खा के जाना, मैंने अपने हाथों से बनाया आलू का भुट्टा और करारे पराठे। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ये क्या बात है, मैंने इतनी मेहनत की है। मैंने तुमसे कहा ना तुम खा लो ना, और सुनो मैं ऑफिस से आज लेट आऊंगा। या मेरे अल्लाह, बुढ़ापे में तो इस बंदे का दिमाग ही सफे आ गया। चादर में से लिपटे के करवटें भी बदल ना पाए, ना नींद सोए ना नींद जागे, गमों की शब से निकल ना पाए। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? गुर्दे में ज्यादा दर्द है क्या? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मर जाने का मुकाम है ज़ायदा। काश काश मैं मासूम न होता, मैं मासूम न होता, या फिर मैं नारी न होता। आंखों से ये सब कुछ न देख पाता। ऐसा क्या हो गया? सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? इनायत ऐसा क्या हो गया है, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? नौमी 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 यहाँ आया था? ऐसा क्या काम था उसे, क्यों आया था वो यहाँ? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ज़ाहिदा। वो मेरी इज्जत का जनाजा, Thank you.
क्या हुआ? नूमी ने ऐसा क्या कहा बेटा? तुम ही मुझे बता दो, वहां तुम्हारे अब्बा भी लगकर रो रहे हैं और यहाँ तुम रो रही हो। नहीं, वो नूमी आया था, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अब्बू वहां पे बैठे हैं, उसने मुझसे बदतमीजी की। अम्मी मेरा तो बट्टा कीचड़ नीचे फेंका और भाग गया। तुम देख लेना, तुम देख लेना, अल्लाह से उसके गुनाह की सजा जरूर मिलो। अल्लाह की लाठी भी वहां से भी जान। शुक्र करो कि अल्लाह मैंने कुछ बेहतर ही सोचा था कि बदतरीन होने से बचा लिया तुम। मैंने जिसे इतना चाहा, उससे भी ज्यादा चाहा, वो इस कदर गिर गया। अल्लाह खैर करे, अब क्या हो गया? हेलो इनायत, कैसे हो? कैसे याद किया आज? ला हौल वला कुव्वत, नौमी इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकता है? देखो इनायत, मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूं। और एक बात और याद रखना, इस घटिया हरकत के पीछे तुम्हारी आपा का हाथ है। हाँ, तुम्हारे घर? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा, और तुम और जायदा जो कुछ कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने रूबी को सिर्फ जुबानी से बेटी नहीं कहा है, वो दिल से मेरी बेटी है। बाबा जी, आपके ताबे ने कुछ दिन तो असर किया, लेकिन उसके बाद पहले से भी ज्यादा संगदिल और कठोर हो गए, और कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, अपनी बहन के पास चले जाएंगे। बाबा जी, अगर वो चले गए तो मेरा क्या बनेगा? अरे नादान, ये वो खुद से नहीं कर रहा, उससे करवाया जा रहा है। अरे उसकी अकल पर तो बंदिश के पर्दे पड़े हैं। बाबा जी, ये बंदिश के पर्दे सारे जला दे ना, और मेरे शोहर को पहले जैसा बना दे। अरे ये कोई सुर्खी पाउडर थोड़ी है जो मैं मिनटों में लगा दूं। अरे मेहनत करनी पड़ती है, चिल्ला काटना पड़ता है। बाबा जी, मेरे खातिर कर दे आप ये सब। हाँ ठीक है, अब तुम्हारे खातिर करना तो पड़ेगा, बस तुम एक काले बकरे का इंतजाम करवा दो। काले बकरे का? हाँ बाबा जी, मैं कहाँ करूंगी, मैं आपको कल पैसे ला दूंगी, आप कर लीजिएगा बकरे का इंतजाम। हाँ ठीक है, और हाँ बाहर जाते हुए नजराने के गल्लक में पैसे डाल जाना। ठीक है बाबा जी। हमें कितनी शर्मिंदगी हुई हम बता नहीं सकते, जो तबीयत चाह रही थी उस तबीयत के हिसाब से तो खलील साहब आप सोच नहीं सकते कि, लेकिन इस डर से कि लोगों के दरमियान हमारी बातें न चली जाए, यह हादसा दूसरों तक न पहुंचे, तो हम मेरे बेटे ने जो हरकत की है, बखुदा दिल करता है कि डूब कर मर जाऊं। मेरी बीवी और मेरे बेटे ने मुझे शर्मिंदगी के उस खाई में धकेल दिया है, जिसके बाद शायद मैं सर उठा के जी न सकूं। खुदा की कसम, ये कुछ आता है कि नूही को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूं। भाई साहब, इन सारे मामलात के लिए हम पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। नहीं ज्यादा, इससे हमारी बेटी भूमि पर हक पा सकता है। मैं तो
दोनों के जज्बात उससे और कैफियत से वाकिफ हैं। यकीन करो मैं इतना आजिज रह चुका हूँ कि अपना घर और इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। मगर क्या करूं, अपनी जिम्मेदारियों और जमीर के आखिर मजबूर हो जाता हूं। मैं तुम लोगों से अपने बेटे की इस गलती की माफी मांगता हूं। मेरे बेटे को माफ कर दो। और मेरा ये वादा है तुम्हें उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक हमारी बेटी रुखसत होकर अपने घर नहीं चली जाती। बस पाप को माफ कर देना। बेटा मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। नौमी को उसके एक हिस्से से जरूर मिलेगी। आ रही हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? नौमी क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ अबू? क्या मैं तेरी जान ले लूँ? क्या हुआ? तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या? उसे कमीने और घटिया इंसान, ये मेरा खून है, मेरी औलाद है और किसी की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। आखिर बता दे क्यों नहीं हुआ क्या? इस घटिया हरकत की सजा तुझे मिलेगी। मैं तुझे कमरे में बंद कर दूंगा। बस तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर तुमने इसे कमरे से निकाला तो मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। समझी? देखो अब तुम बहुत ज्यादती कर रही हो अम्मा। अच्छा नहीं कर रही हो ये मेरे साथ। एक ही तुम्हारी बेटी है, उसकी शादी हो रही है, तुम नहीं चाहती कि वो प्यारी सी दिखे? खैर बहरहाल शन्नो कुछ ना कुछ कर ही लेगी अपना इंतजाम, लेकिन मेकअप तो करवाएगी बिल्कुल वैसा ही जैसा होगा वो माधुरी जैसा। अगर अपने बेटे और शोहर को काबू में करना चाहती हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। जी जी बाबा जी बताएं। ये तावीज़